देश की राजधानी में मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए जाने वाला शेल्टर होम ऐसा यातना केंद्र बन गया है कि एक महीने में 14 बच्चों की जान चली गई है। वहीं इस साल में कुल मौतों की बात करें तो ये संख्या 25 है। चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक इसका कोई जायजा नहीं लिया गया है। इस शेल्टर होम की अंदर की स्थिति बेहद खराब है। इतना ही नहीं, बच्चों को सिर्फ आधा ही खाना दिया जाता है। आलम यह है कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बनाया गया आशा किरण होम अब उनके लिए डेथ चैम्बर बन रहा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले पर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी, बल्कि दिल्ली सरकार के सभी प्रमुख विभागों से सभी शेल्टर होम्स की स्थिति पर भी एक रिपोर्ट पेश करने और इनके संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार की राजस्व मंत्री आतिशी ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सभी मौतों की मजिस्ट्रेट जांच करने के भी आदेश दिए। साथ ही मजिस्ट्रेट को प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन भी दी है। आशा किरण होम में रह रहे 14 लोगों की मौत की खबरों पर एलजीवी के सक्सेना ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने न केवल इस मामले पर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी, बल्कि दिल्ली सरकार के सभी प्रमुख विभागों द्वारा पूरी दिल्ली में चलाए जा रहे सभी शेल्टर होम्स की स्थिति पर भी एक रिपोर्ट पेश करने और इनके संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करने का भी निर्देश दिया है। इसके लिए अलग अलग समय सीमा भी दी गई। एलजी के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा के माध्यम से शुक्रवार को चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को भेजे नोट में बताया गया है कि मानसिक रूप से बीमार मरीजों की देखभाल के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित आश्रय गृह आशा किरण होम में भर्ती मरीजों की मौत के मामले में अचानक बढ़ोतरी होने के संबंध में मीडिया में आई खबरों पर एलजी ने संज्ञान लिया है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा इस मामले पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि इस साल जनवरी से ही आशा किरण होम में युवा और किशोरों सहित 28 दिव्यांग मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं अकेले जुलाई में 14 लोगों की मौत हुई है। एलजी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है, जो संबंधित अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही की ओर भी इशारा करता है। एलजी ने कहा है कि संवेदनशीलता की ये कमी और सुपरविजन का अभाव न केवल जिम्मेदार लोगों को अपनी कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है। एलजी ने निर्देश दिया है कि आशा किरण होम समेत दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी शेल्टर होम्स की जांच की जाएगी, साथ ही संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। एलजी ने 3 हफ्ते के भीतर समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग और डूसिप द्वारा संचालित सभी शेल्टर होम्स को लेकर एक श्वेत पत्र तैयार करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें इनके संचालन पर होने वाले खर्च, इनमें उपलब्ध सुविधाएं, उनमें रहने वाले लोगों की संख्या, वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी शामिल है। इस मुद्दे पर शुक्रवार शाम दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। दिल्ली सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आशा किरण करके एक होम चलाता है। ये होम है फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। इसमें 980 इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स रहते हैं, जिनकी डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग अलग कैटेगरी की है, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड अलग अलग कैटेगरीज की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। आशा किरण होम में 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है, जिसमें 6 डॉक्टर्स और 17 नर्सेज हैं। वहां पर फुल टाइम केयर गिवर्स, जिनको हाउस आंटीज के नाम से जाना जाता है, 450 ऐसे केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट में काम करते हैं। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं, उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स हैं, उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज भी थी। लेकिन ऐसी 14 डेथ्स एक महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है, और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई, तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, मैजिस्टीरियल जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है, उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में
किसी भी अफसर की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी अवेट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। आपको बता दें कि जुलाई में दिल्ली के आशा किरण आश्रय गृह में 14 कैदियों की दस्त और उल्टी जैसे लक्षणों के कारण मौत हो गई, जिसमें चिंता बढ़ गई। दिल्ली सरकार ने मौतों और खराब रहने की स्थिति की जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक और नियामक निकायों ने जवाबदेही की मांग की है और संभावित संदूषण के लिए पानी के नमूनों की भी जांच की जा रही है। खुलासे के बाद कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही दिल्ली की मंत्री आतिशी के इस्तीफे की भी मांग की गई है। हम लोग ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से आए हैं। मैं महासचिव नीतू वर्मा सोइन हूँ, मेरे साथ में सुषमा यादव जी सचिव हैं और हमारी दिल्ली की अध्यक्ष जो है पुष्पा जी हमारे साथ हैं। अलका जी के निर्देशानुसार हम यहाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देशानुसार हम यहाँ पता करने आए हैं कि यहाँ क्या हुआ, कैसे ये जो बच्चियों को, ये जो 14 हत्याएं यहाँ हुई हैं वो किस तरीके से हुई हैं, क्या हुआ है। अक्सर यहाँ पर होता आ रहा है, लोग यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर 450 लोगों को 250 की व्यवस्था है और 450 जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर जबरदस्ती ठूसा गया। यहाँ खाने को ढंग का नहीं मिलता है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन हमारी मेन यहाँ पर मांग है कि सबसे पहले तो ये न्यायिक जांच होनी चाहिए कि कैसे 14 बच्चियों की यहाँ पर यहाँ मौत होती है, उसकी न्यायिक जांच हो। ये हत्याएं हैं, ये मौत नहीं, ये हत्याएं हैं। क्योंकि पहले तीन बच्चे बेसमेंट में डूब कर मरे, किस कोई बच्चे करंट लग कर मरे, क्या हो रहा है? दिल्ली सरकार क्या कर रही है? ये लापरवाही के कारण जो हत्याएं हो रही है इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इस हत्याओं के पीछे जो अधिकारी, जो मंत्री हैं उनके हम इस्तीफे की मांग करते हैं और जो अंदर बच्चों की मौत हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए। केवल इस न्याय की गुहार के साथ महिला कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ आया है और ये हमें शांतिपूर्वक मिलने भी नहीं दे रहे हैं। ये दिल्ली सरकार की विफलता है, दिल्ली सरकार की चूक है। दिल्ली मिलने आए हैं, शांतिपूर्वक मिलने आए हैं, सिर्फ ये पता करने कि 250 बच्चों की व्यवस्था में आप 450-500 बच्चों को कैसे रख सकते हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस महासचिव नीतू वर्मा सोइन ने कहा, हम यहाँ ये जानने आए हैं कि ये क्या हुआ, यहाँ 14 हत्याएं कैसे हुई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो।